नमस्कार। सेवा और आध्यात्मिकता की प्रतीक अम्मा माता अमृतानंदमयी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनके 70वें जन्मदिवस के अवसर पर मैं अम्मा के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। मेरी प्रार्थना है दुनिया भर में प्रेम और करुणा के प्रसार का उनका मिशन निरंतर आगे बढ़ता रहे। अम्मा के अनुयायियों समेत अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ जुटे सभी लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं अम्मा के साथ 30 से अधिक वर्षों से सीधे संपर्क में हूँ। कच्छ में भूकंप के बाद मुझे अम्मा के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिला था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मा का 60वां जन्मदिन अमृतापुरी में मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में मैं प्रत्यक्ष उपस्थित होता तो मुझे और आनंद आता और अच्छा लगता। आज भी मैं देखता हूँ अम्मा के मुस्कुराते चेहरे और स्नेह से भरे स्वभाव की गर्मजोशी पहले की तरह ही वैसी ही बनी हुई है। और इतना ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभा मंडल होता है वो शब्दों में बताना मुश्किल है। उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मुझे याद है तब मैंने अम्मा के लिए कहा था और आज दोहराता हूं, स्नेह तिंडे कारुण्य तिंडे सेवन तिंडे त्याग तिंडे पर्याय माण अम्मा माता अमृतानंदमयी देवी भारत तिंडे महत्ताय आध्यात्मिक पारंपर्य तिंडे नैरव काशियण। अर्थात अम्मा प्रेम करुणा सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक है। साथियों, अम्मा के कार्यों का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने देश विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अम्मा के मार्गदर्शन में हर संस्था ने मानव सेवा को, समाज कल्याण को नई ऊंचाई दी। आज देश ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया तो अम्मा उन शुरुआती व्यक्तित्वों में से थी जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आई। गंगा तट पर जो गांव बसे हैं उन गांवों में शौचालय बनाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का भी दान दिया था, जिससे स्वच्छता को नया बल मिला। दुनिया भर में अम्मा के अनुयायी हैं और उन्होंने भी भारत की छवि को, देश की साख को हमेशा मजबूत किया है। जब प्रेरणा इतनी महान हो तो प्रयास भी बड़े हो ही जाते हैं। साथियों, महामारी के बाद की दुनिया में आज विकास को लेकर भारत की ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को
स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे मोड़ पर अम्मा जैसे व्यक्तित्व भारत की ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के प्रतिबिंब है। अम्मा ने हमेशा ही असक्त को सशक्त बनाने और वंचितों को वरीयता देने का मानवीय यज्ञ किया है। कुछ दिन पहले ही भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास किया है। विमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत के सामने अम्मा जैसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। मुझे विश्वास है कि अम्मा के अनुयायी दुनिया में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक बार फिर मैं अम्मा को उनके 70वें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, वो मानवता की ऐसे ही सेवा करती रहे, हम सभी पर ऐसे ही अपना स्नेह बरसाती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर एक बार अम्मा को बहुत बहुत प्रणाम।